मोदी कैबिनेट के गठन होने के बाद अब उनके मंत्री एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। सोमवार के दिन मोदी के कई मंत्रियों ने अपने मंत्रालय पर पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान उनका मंत्रालय में जोरदार स्वागत भी किया गया। तीन तस्वीरें जिसमें रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और वीके सिंह ने अपना कार्यभार संभालते हुए वो नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कानून और न्याय मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला और बाल विकास मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही जनरल वीके सिंह ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर से राजनेता बने हर्षवर्धन दिल्ली के एकमात्र नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिमंडल में जगह दी है। तो वहीं अपने इस पद का कार्यभार संभालने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साइकिल से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहुंचे, जिसके बाद मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने विभाग का कार्यभार संभाल लिया। आपको बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछली सरकार में हर्षवर्धन को पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिया गया था, बाद में उन्हें पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।